नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन की जो पूरी दुनिया भर में सिर्फ 112 लोग ही कर रहे हैं। अब आप ये कहोगे सर ये ऐसा कैसा प्रोफेशन है जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है और सिर्फ 112 लोग ही कर रहे हैं। है, बिल्कुल है, ऐसा प्रोफेशन है। अभी तक उस प्रोफेशन की इतनी डिमांड नहीं आई, लेकिन आने वाले टाइम में उस प्रोफेशन की इतनी डिमांड आएगी कि आप हद से ज़्यादा डिमांड आएगी और आप सोच नहीं सकते कि इतनी डिमांड भी इस प्रोफेशन की आ सकती है। और प्रोफेशन क्या है आइए देखते हैं। जिसकी अपन बात कर रहे हैं, दुनिया में सिर्फ 112 लोग ही इस प्रोफेशन को कर रहे हैं और ऐसी डिग्री ले रखी है सर्टिफाइड जो 112 लोग ही इस कार्य को कर रहे हैं। कौन सा है? पानी की टेस्टिंग। पानी की टेस्टिंग का कार्य आप सोचते होंगे सर ये तो टेस्टिंग तो आजकल जगह जगह आरओ खुल गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कुछ है। लेकिन बिल्कुल है, सब लोग पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सर्टिफाइड व्यक्ति है, जो सर्टिफाइड कोर्स होता है, वो करने वाले अभी तक सिर्फ 112 लोग हैं और बहुत ही कम लोगों ने ये सर्टिफाइड कोर्स किया। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है और लोग कितना शुद्ध पानी पीना चाहते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप ये कोर्स अभी कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के आपको पता है कि पानी की इंपॉर्टेंस, पानी जो शुद्ध पानी है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। यह बात है। जैसे खाने की टेस्टिंग होती है, वाइन की टेस्टिंग होती है, वैसे ही पानी की भी टेस्टिंग होती है। अब पानी की अलग अलग तरीके से टेस्टिंग हो सकती है, जैसे हल्का पानी, भारी पानी, फूटी, वुडी आदि। इस तरीके से पानी की अलग अलग टेस्टिंग होती है और वो टेस्टिंग हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ सर्टिफाइड व्यक्ति जिसने एक सर्टिफाइड कोर्स किया है वही ये कार्य कर सकता है। हिंदू बिजनेस लाइन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस प्रोफेशन में सिर्फ एक व्यक्ति ने सर्टिफाइड कोर्स कर रखा है। हिंदू बिजनेस एक पेपर है, पत्रिका है, निकलती है, उसके अनुसार भारत में अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति है जो इस प्रोफेशन में है और उसने सर्टिफाइड कोर्स कर रखा है। अब वो कौन है? जिसका नाम है गणेश अय्यर। गणेश अय्यर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है और ये देश के इकलौते सर्टिफाइड वाटर टेस्टर हैं। मतलब देश के इकलौते सर्टिफाइड वाटर टेस्टर हैं। अगर आपको सर्टिफाइड वाटर टेस्टर की जरूरत पड़ती है तो ये गणेश अय्यर ही आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं वाटर टेस्टिंग का। बाकी हर कोई नहीं दे सकता है क्योंकि उनके पास वो डिग्री डिप्लोमा है ही नहीं, तो वो कैसे देंगे। ये कहते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड होगी। और बिल्कुल ये बिल्कुल सही, और मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि आने वाले टाइम में वाटर सेक्टर में काफ़ी डिमांड होगी। क्योंकि आने वाले टाइम आपने देखा कि हर तरह के बड़ी बड़ी कंपनियाँ वाटर सेक्टर में उतर रही हैं। और अभी तक तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो विदेशी कंपनी है जो 45,000 रुपये लीटर तक का भी पानी देती है। और इससे का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देखना जरूर मेरा। तो देख लिए कि एक एक बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, विराट कोहली हैं या बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही टेस्टेड वाटर पीते हैं, उस एक लीटर वाटर की कीमत आप देख लो तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की होती। तो आने वाले टाइम में देखना कि ये जो डिमांड है, इस सेक्टर की जो डिमांड है काफ़ी बढ़ेगी और जो वाटर टेस्टर जो लोग हैं उनकी भी डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो आप बहुत जल्दी हो सके तो ये कोर्स कर लें और जो अभी जो कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको भी सजेस्ट करें कि ये आने वाले टाइम में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इन्होंने जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट से डोमेंस एकेडमी ग्राफलीफिंग से सर्टिफाइड कोर्स किया है। इन्होंने जर्मनी से एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से इन्होंने एक वाटर टेस्टर का सर्टिफाइड कोर्स किया है और अभी वर्तमान में एक बेवरेज कंपनी है वीन, जिसके भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के निदेशक हैं। अभी वीन कंपनी है जो बेवरेज कंपनी है उसके निदेशक हैं भारत के। देख ली, इनका कहना है कि जो भी ये कोई कोर्स वगैरह जो करता है ना वाटर टेस्टिंग, शुरुआत में 1,00,000 तक की सैलरी भी उसको मिल सकती है। तो ये जो कोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और आने वाले टाइम में इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल मैं वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।